तो दोस्तों आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका प्यार दो मिनट में रोता हुआ आपके पास आएगा बस इस तवीज़ के नीचे आपने उसका नाम लिख देना है सीधा उसके दिल पर जाकर झटका लगेगा और वो आपके साथ आकर हम बिस्तरी करने के लिए आपको राजी करेगा आप उसे राजी नहीं करेंगे वो आपको राजी करेगा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आप दोस्तों को हंसता और मुस्कुराता रखें अपने चैनल एजोस्टेशन उर्दू इन्फ़ो में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ तो दोस्तों आपका प्यार दो मिनट में रोता हुआ आपके पास आएगा बस आपने उसका नाम ये जो आज मैं आपको तावीज दूंगा इस तावीज़ के नीचे लिख देना है ये वीज सीधा दिल पर झटका देगा आपके महबूब के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा करेगा कि दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते तो दोस्तों आपका जो प्यार है उसके दिल में बेपना मोहब्बत पैदा करने वाला ये वजीफा है यह वजीफा ये अमल दोस्तों बहुत सारे लोग आज़मा चुके हैं तो दोस्तों ये बहुत ही मुख्तर सा अमल है तो दोस्तों ये बहुत ही मुख्तर अमल है लेकिन मुख्तर होने के साथ साथ ये बहुत कारगर और पावरफुल भी है दोस्तों इस अमल को करने के लिए बहुत ही सफाई की जरूरत है अगर आप पाकिज़ा हैं तो तभी आपने इस अमल को करना है पाक साफ होकर और नहा धोकर ही आपने इस अमल को करना है लेकिन दोस्तों इतना आप समझ लें कि अगर आपने इस अमल को एक दफा कर लिया उसका समझो काम हो गया बस इस तवीज़ के नीचे आपको अपने महबूब का नाम लिखना पड़ेगा सीधा दिल पर असर करने वाला ये वजीफा है ये दोस्तों हरूफ मुकदत का अमल है जिसके लिए भी आपने कर लिया उसको आप पर मरना ही मरना है उसने आपके लिए तड़पना ही तड़पना है जो दोस्त इस अमल को करना चाहते हैं उनको मुझसे इस अमल की इजाज़त लेनी होगी इस अमल की इजाज़त के लिए सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है फिर आपने वीडियो को पूरा देखना है काट कर स्किप करके या फिर अगर आप इसको फारवर्ड करके देखेंगे तो आपका यह अमल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए आए हैं पहली दफ़ा है यहाँ अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप दोस्तों को इस अमल की इजाज़त मिल जाएगी तो अभी दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक तावीज़ दिखाई दे रहा है इसको गौर से देख लें इसमें दोस्तों तीन से चार हरूफ लिखे हुए हैं ये दोस्तों बामोकिल अमल है बामोकिलरूफ हैं एक एक हरफ का दोस्तों अपना अपना मोकिल है ये चार मोकल दोस्तों मिलकर आपके महबूब के दिल में मोहब्बत की शिद्दत और हिद्दत पैदा करेंगे इस अमल में किसी को किसी तरीके का कोई भी खतरा नहीं है ना करने वाले को ना दोस्तों जिसके लिए किया जाए उसको कोई ख़तरा किसी भी तरीके का दोस्तों कोई ख़तरा नहीं है लेकिन बहुत ही ये पावरफुल अमल है और यह बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा तो फिर ये दोस्तों जान लेते हैं कि अपने महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस छोटे से से और दो मिनट के जो वजीफे को किस तरह से हम अंजाम दे सकते हैं किसी के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि जिसकी वजह से कि वो आपसे बात करने पर मजबूर हो जाए वो आपसे बात करने के लिए और आपसे प्यार करने के लिए खुद ही बोले यानी कि आपसे प्यार का मोहब्बत वो इजहार खुद ही कर तो वह ये दोस्त जान लेते हैं कि इस वजीफे को किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं तो दोस्तों इस अमल को करने के लिए आपको एक अदद सादे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी फुल सादा कागज होना चाहिए जिस पर कोई भी लिखावट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उसके बाद आपने दोस्तों एक अलग ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना फिर दोस्तों इसके बाद आपने ये एक क्रॉस वाला लाइन बना लेनी है क्रॉस बना लेना है और उसके चारों तरफ देखें कॉर्नर्स पर गोले बने हुए हैं ये बिल्कुल आपने गोले इसी तरह से लगा लेने हैं सबसे पहले दोस्तों आपने ये क्रॉस बना लेने हैं और क्रॉस के जो कॉर्नर है इसके ऊपर आपने गोले बना लेने हैं तो जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आप दोस्तों को वैसे ही ये अमल करना पड़ेगा वरना फिर ये आपका अमल काम नहीं करेगा आपके लिए मसला हो सकता है तो सबसे पहले दोस्तों आपने लिखना है अलिफ़ फिर दाएं तरफ जीम लिखा हुआ है ये आपने लिखना है फिर बाएं तरफ बे लिखा हुआ है ये आपने लिखना है और सबसे नीचे मेम लिखा हुआ है ये आपने लिख देना है तो इस तरह से ये दोस्तों आपका ये जो तावीज़ है ये मुकम्मल हो जाएगा लेकिन जो चाल मैंने आपने बताई है आपने चाल जो है वो यही रखनी है तो दोस्तों ये किसी भी दिन किया जा सकता है दिन में करें रात में करें जिस वक़्त आपको वक़्त मिले आप उस वक़्त ही इस अमल को सर अंजाम दे सकते हैं लेकिन बेहतर है कि आप इसको सुबह के वक्त करें क्योंकि अमलियात मोहब्बत जो हैं वो सुबह के वक्त ज्यादा कारगर साबित तो होते हैं वो सुबह के वक्त ज्यादा काम करते हैं तो दोस्तों उसके बाद में करना क्या तो इस तवीज़ के नीचे दोस्तों आपने मतलूब का नाम लिखना है तावीज के नीचे आपने दोस्तों मतलूब का नाम लिखना है अपने महबूब का नाम लिखना है आपका महबूब जो भी हो चाहे लड़का हो या लड़की हो उसका आपने इस तावीज के नीचे नाम लिख देना है अगर लड़का है तो उसके नाम के बाद बिन लगाए और उसके बाद उसकी वालदा का नाम लिख दें और अगर करने वाली लड़की है तो उसके नाम के बाद बिनते लिखें और साथ में उसकी माँ का नाम भी आपने लिख देना है ये सब लिख लेने के बाद आपको बाहर से मार्केट से घर से जहाँ भी आपको मयसर हो सके आपने एक ताजा गुलाब का फूल लेकर आ जाना है तो दोस्तों ताजा से मुराद ये है कि मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए उसके अंदर ताजगी होनी चाहिए यानी कि दोस्तों वो दिखने में जरा फ्रेश रहे तो ऐसा दोस्तों आपने एक छोटा सा या फिर बड़ा गुलाब का फूल ले लेना लेकिन गुलाब का फूल गुलाबी होना चाहिए वो दूसरा वाइट रोज या इस और किसी कलर का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वाइट कलर नहीं चलेगा या फिर किसी और कलर नहीं चलेगा बस गुलाबी गुलाब का फूल होना चाहिए तो जब आप वो गुलाब का फूल ले आए तो ये जो तवीज़ है ये दोस्तों आपने फोल्ड नहीं करना है बल्कि इसको आपने बड़े पेपर पर बनाना है और ये तवीज़ जब आपका बन जाए तो उसके बाद आपने ये गुलाब का फूल इसके तवीज़ के दरमियान में रख देना है तो इस गुलाब के फूल को जब आप इस कागत में रख लें तो इस तवीज़ के अंदर आपने उस गुलाब के फूल को छुपा देना है चारों तरफ से और चारों तरफ से उसके बाद इसके ऊपर आपने लाल धागा लपेट देना है जब आप ये कर लें तो उसके बाद आपने इस तावीज़ को बहते हुए पानी में छोड़ देना यानी कि डाल देना है आपने बस डाल देना है चाहे ये बह जाए या डूब जाए इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है साफ और खालस पानी में आपने इसको डालना है। तो जैसे ही आप इसको डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मोहब्बत में आपका प्यार किस कदर बेचैन और बेकरार हो जाए ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल और आजमाया हुआ वजीफ़ा है मैंने किसी बंदे के लिए इस वजीफे को किया था इसका पूरा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दो मिनट के अंदर ही मिल गया था वाले के जो मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप थे उनको अनब्लॉक किया गया नंबरों को ब्लॉक किया गया ये मेरा आजमाया हुआ ताती अमल है इसलिए मैंने ये आज आपको दे दिया है ये मैंने आप तक पहुँचा दिया है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जो दोस्त इस अमल को करना चाहते हैं जैसे इजाज़त का तरीक़ाकार बताया गया है वैसे इजाज़त लेकर इस अमल को करें इन शाह तल आपको इस अमल में जरूर जरूर कामयाबी मिलेगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें शेयर कर दें जो दोस्त इस अमल को करना चाहते हैं जैसे इजाजत का तरीक़ाकार बताया गया है वैसे इजाज़त लेकर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें घंटी के बटन को दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहें मुझे अभी इजाजत दें दोबारा ऐसे ही नए अमल के साथ आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह तमाम दोस्तों का निगेबान अस्सलाम